एक्डेमिक एंड काग्नेटिव डिफरेंसेस इन जेंडर कागनीटिव रिफ़र्स टू दी मेंटल एबिलिटीज़ और आईक्यू लेवल कागनीशन का जो ताल्लुक़ है वो हमारे ब्रेन हमारे माइंड के साथ होता है और हमारी एबिलिटीज़ जो जितनी मेंटल हैं वो सारी की सारी कागनीशन के साथ तल्लु रखती हैं तो अब सोचने की बात यह है कि हम कह रहे हैं कि कागनीटिव डिफरेंस जो हैं यानी मैंटल डिफरेंसेज और एकेडेमिक डिफरेंसिज़ अच्छा इसमें फ़र्क अब ये है कि कागनीशन होगी तो आगे आपके डिफरेंसेस ऑटोमेटिकली आते हैं जिसको हम एकेडमिक भी कह सकते हैं आप आ, आपकी जो जीपीए है उसमें फ़र्क किस वजह से आ रहा है क्योंकि आप कितने ज़हन हैं एक तो ये रीज़न हो गई दूसरा आपने अपनी जहानत को किस तरीके से इस्तेमाल किया है बाज़ा आपने देखा होगा कि बहुत सारे जहीन लोग जो हैं वो कामयाब नहीं होते लेकिन जो हार्ड वर्कर होता है वो कामयाब हो जाता है उसके मार्क्स बाज़ात बहुत जहीन से भी ज़्यादा होते हैं अब जहीन जो लोग हैं जिनका आई क्यू हाई होता है उनका एक मसला है क्योंकि आप हाई इंटेलिजेंस हाई आई क्यू वाले लोगों को आप इजीली कंट्रोल नहीं कर सकते और आ, उनको आप अपना फॉलोअर नहीं बना सकते जो लकीर का फ़कीर होता है जैसे आपने कहा वैसे ही वो आपके पीछे पीछे चल के काम करता है उसकी इंटेलिजेंस इतनी ज़्यादा नहीं होती जिसकी वजह से वो अपने दिमाग से सोचता ही नहीं है तो जिनका हाई आई क्यू लेवल होता है वो बॉर्न जो है वो लीडर्स होते हैं वो बॉर्न जो है वो आप समझ लीजिए कि सक्सेसफुल uh, पीपल uh, uh, आप उनको इसलिए कह सकते हैं कि कॉग्निशन उनकी बहुत हाई होती है अपने आइडियाज़ वो लेके आने वाले होते हैं उनकी मैनेजमेंट स्किल्स उनकी uh, जो मास्टर माइंड जिसको आप बोलते हैं तो अल्लाह ताला की एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है जो इंटेलिजेंस हम ले आते हैं अब उसके बारे में एक पुराना एक हमारा कोट ये था कि जैसे हम जीन्स में अपनी शक्ल सूरत लेके आते हैं हम उसको तब्दील नहीं कर सकते क्योंकि हमें पेरेंट्स की तरफ से वो जीन्स में मिली है तो इसी तरह इंटेलिजेंस भी हम अपने पेरेंट्स से जीन्स में लेके आते हैं तो क्या उसको ज़्यादा किया जा सकता है क्या उसको कम किया जा सकता है जी हाँ उसको हम ज़्यादा इस तरह से कर सकते हैं जब एक आपने शूज़ नए खरीदे आपने एक बड़ा अरसा उसको अपने स्टोर में रख दिया हालांकि वो बड़ा फाइन लेदर था तो आप देखेंगे उस पर डस्ट पड़ जाती है और उसके बाद वो आपके पहनने के काबिल नहीं रहते आपका दिमाग भी ऐसे ही है अगर आपके पास इतनी ज़्यादा इंटेलिजेंस है और आप उसको इस्तेमाल नहीं करेंगे उसको पॉलिश नहीं करेंगे तो आपकी इंटेलिजेंस किसी काम की नहीं है तो असल चीज़ क्या है कि कम इंटेलिजेंस भी अगर है तो हम उसको पॉलिश करके उसको अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करके उस शख़्स को हम राइट right प्लेस पे जब अपॉइंट करते हैं तो यकीन कीजिए हम उससे वही वाले काम ले सकते हैं जो कि आप एक हाईली इंटेलिजेंट पर्सन को ढूंढ के लेके आते हैं मैंने मुख्तफ़ ऑर्गेनाइजेशंस के साथ काम किया तो मैंने ये देखा कि जब मैंने अमेरिकन के साथ काम किया तो मैंने देखा कि उनमें और पाकिस्तानी इंस्टीट्यूशनस में ये फ़र्क था वो हम कहते हैं कि हम किसी बड़े काबिल आदमी को किसी बड़े इंस्टीट्यूशन में से लेके कर जो कि आके हमें सारा काम जो है वो करके दे जबकि अंग्रेज़ का ये फ़लसफ़ा था कि हम इन्हीं लोगों को ट्रेनिंग दे के इन्हीं को अपनी फ़िलोसफ़ी के मुताबिक बना के इन लोगों से हम अपना काम लेंगे देखें उसने एक तो वो जो इतना इंटेलिजेंट और इतना हाईली सक्सेसफुल आप पर्सन लेके आएंगे उसकी सैलरी भी आपको ज़्यादा देनी पड़ती है और आपको उसके ऊपर जो है वो इन्वामेंट भी प्रोवाइड करना पड़ता है तो ये जो पॉलिसी मैंने देखी है कि अपने हमारे लोगों के अंदर भी इंटेलिजेंस उतनी ही है सिर्फ बात यह है कि हमने उसको किस तरह से पॉलिश करना है तो मेल और फीमेल दोनों को अगर हम इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करें तो हम दोनों से जो है वो बेहतरीन काम जो है ले सकते हैं एकेडमिकली भी और सोशली भी